देखो बच्चों, हम लोग एक और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और इस कॉन्सेप्ट का नाम है, देखो, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम पी इन एन फैक्टोरियल। एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम पी इन एन फैक्टोरियल। देखो क्या होता है, जैसे मान लो अगर मैं फॉर एग्जांपल 8 फैक्टोरियल लिखता हूँ। देखो इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, पहले हम इसको समझें। मान लो मैं 8 फैक्टोरियल लिखता हूँ तो क्या होगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। देखो अब मैं इन सबको प्राइम नंबर्स में लिखता हूँ, प्राइम में। देखो ऐसा होता है, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 7 की पावर 1 ही रहेगा, इसे 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, 5 ही रहेगा, 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर 3 रहेगा, 2 रहेगा 1। देखो ध्यान दो, अब जैसे 2 आ रहा है तो 2 देखो कितनी जगह आ रहा है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 3। देखो ये 2 की पावर 7 बनेगा, है ना। 2 की पावर हर जगह से इकट्ठा करो, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 3, 1, 4 और 3, 7। अब देखो 3 की पावर क्या बनेगा, 3 की पावर 1, 3 की पावर, देखो 3 की पावर 2 बनेगा। देखो 5 की पावर क्या बनेगा, 5 की पावर 1 बनेगा, और देखो यहाँ पर 7 की पावर भी 1 बनेगा। 1 तो खैर लिखो ना लिखो बात खत्म। देखो इसका मतलब देखो ये हुआ कि 8 फैक्टोरियल को हमने प्राइम के टर्म में लिखा। देखो ये 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, 7 प्राइम है ना। 8 फैक्टोरियल को देखो हमने प्राइम नंबर्स के टर्म में लिखा, 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, 7 प्राइम। देखो अब जैसे 2 की पावर 7 है, 3 की पावर 2 है, 5 की पावर 1, मतलब 8 फैक्टोरियल में 2 का एक्सपोनेंट 7 है, 3 का एक्सपोनेंट 2 है, 5 का एक्सपोनेंट 1 है, 7 का एक्सपोनेंट 1 है ना 8 फैक्टोरियल में, ठीक है। तो देखो जैसे अब हम अगर मान लो 100 फैक्टोरियल को लिखें और 100 फैक्टोरियल में क्या होगा, 100 इंटू 99 इंटू 98, फिर 3, फिर 2, ये 1। अब देखो 100 को भी हम 2, 3 के टर्म में लिख सकते हैं, मतलब इन सब को हम प्राइम के टर्म में लिख सकते हैं। तो मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ 2 की पावर ए आया, 3 की पावर बी आया, 5 की पावर सी आया, 7 की पावर डी आया, बहुत सारे प्राइम नंबर आएंगे। जब 100 फैक्टोरियल लिखेंगे तो उसमें 2, 3, 5, 7, 13 बहुत सारे प्राइम नंबर आएंगे, सबकी कुछ ना कुछ पावर होंगी, तो वही पावर हमको निकालनी है। देखो जैसे मतलब n फैक्टोरियल में प्राइम p की पावर क्या होगी ये हमको बताना है, n फैक्टोरियल में प्राइम नंबर p की पावर क्या होगी ये हमको बताना। देखो ये कॉन्सेप्ट होता है, देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p इन n फैक्टोरियल। देखो इसका फार्मूला होता है, देखो इसको ऐसे लिखते हैं, ई पी एन फैक्टोरियल, इसको ऐसे लिखा जाता है। ई पी एन फैक्टोरियल का मतलब एन फैक्टोरियल में पी का एक्सपोनेंट। देखो ये फार्मूला होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एन बाई पी प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एन बाई पी स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एन बाई पी क्यूब एंड सो ऑन। ये इसका फार्मूला होता है, एन फैक्टोरियल का प्राइम पी में हमें एक्सपोनेंट देखना है, है ना। n फैक्टोरियल का, है ना, n फैक्टोरियल में प्राइम नंबर p का एक्सपोनेंट। देखो जैसे मान लो हम इस फार्मूले को यहाँ पर लगाएं, मान लो हम निकालना चाहते हैं e टू 8 फैक्टोरियल, मतलब हम 8 फैक्टोरियल में 2 का एक्सपोनेंट चाहते हैं, 2 की पावर चाहते हैं, है ना। 8 फैक्टोरियल में हम 2 की पावर चाहते हैं, देखो क्या होगा, ये होगा 8/2, फिर होगा 8/2 स्क्वायर, फिर होगा 8/2 क्यूब और फिर होगा 8/2 की पावर 4। देखो ऐसे 8/2 का मतलब क्या हुआ, 4, 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 होगा। देखो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ध्यान देना, है ना, ये सिंबल ग्रेटेस्ट इंटीजर का। देखो 8/4 मतलब 2 और 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही रहेगा। देखो 8/8 तो 1, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। देखो 8/16 मतलब 1/2 और 1/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 0, तो 4, 2, 6, 7। देखो
8 फैक्टोरियल में 2 की पावर 7 आएगी, देखो आ भी रही है, है ना, 8 फैक्टोरियल में देखो 2 की पावर 7 है। अब मान लो जैसे अगर मैं निकालूं e3 8 फैक्टोरियल, मतलब 8 फैक्टोरियल में 3 का एक्सपोनेंट निकालूंगा, तो क्या हो जाएगा, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर 8 बाई 3, ग्रेटेस्ट इंटीजर 8 बाई 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। देखो 8 बाई 3 मतलब 2 पॉइंट समथिंग, है ना, 2 पॉइंट समथिंग, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा 2। देखो 8 बाई 6 मतलब 1 पॉइंट समथिंग, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा 1, और इसके आगे 0 हो जाएगा, है ना, सॉरी ये 8 बाई 9, 8 बाई 9 का मतलब 1 से छोटा, और 1 से छोटे का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा 0, तो आगे सब 0 हो जाएंगे, आगे जितने भी टर्म लोगे ना वो सब 0 हो जाएंगे। तो इसका आंसर कितना आया 2, मतलब 8 फैक्टोरियल में 3 की पावर 2 है, देखो है। तो इस फार्मूले से हम n फैक्टोरियल में किसी भी प्राइम नंबर का एक्सपोनेंट निकाल सकते हैं। जैसे मान लो अब हम 100 फैक्टोरियल में 2 का एक्सपोनेंट निकालें, मान लो क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाए कि फाइंड एक्सपोनेंट, है ना, फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 100 फैक्टोरियल। मान लो हमसे कहा जाए कि 100 फैक्टोरियल में 2 का एक्सपोनेंट क्या है, तो मतलब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए है, देखो हमें चाहिए है e200 फैक्टोरियल, ठीक है। तो क्या होगा, देखो फार्मूला 100 बाई 2 प्लस 100 बाई 2 स्क्वायर प्लस 100 बाई 2 क्यूब प्लस 100 बाई 2 की पावर 4 प्लस 100 बाई 2 की पावर 5 प्लस 100 बाई 2 की पावर 6 प्लस 100 बाई 2 की पावर 7। देखो ऐसे करके ये होगा, जब तक नहीं करते जाते हैं जब तक कि 0 ना आ जाए। देखो जैसे यहां क्या हुआ, 100 बाई 2 मतलब 50, 50 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 50, 100 बाई 4 मतलब 25, तो वो 25 ही रहेगा। देखो 100 बाई 8, 100 बाई 8, 8 का मतलब कितना हुआ 12 पॉइंट समथिंग, तो 12 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर 12 ही रहेगा। देखो 100 बाई 16, है ना, 16 का मतलब 100 बाई 16 का मतलब क्या हुआ 6 पॉइंट समथिंग, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 ही रहेगा। देखो 100 बाई 32, 32 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3 पॉइंट समथिंग, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 ही रहेगा। देखो 100 बाई 64 तो 1 ही आ जाएगा, और उसके आगे 100 बाई 128 तो सब 0 हो जाएगा, तो इसके आगे देखो सारा का सारा 0 हो जाएगा। तो क्या बचा, 75, 12, है ना, 75 और 12 कितना हो गया 87, 87 और 6 93, 96 और 97, तो मतलब ये आया 97, मतलब 100 फैक्टोरियल में 2 का एक्सपोनेंट 97 आना चाहिए, है ना, 100 फैक्टोरियल में 2 का एक्सपोनेंट। देखो ये 50 हो गया, ये 25 हो गया, ये 12 हो गया, ये 6 हो गया, ये 32 है अपॉन 100, 100 अपॉन 32 तो 3 पॉइंट समथिंग 3 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है, 10 और 12, 22 और 25, 47, 97, है ना, तो 2 का एक्सपोनेंट 100 फैक्टोरियल में 97 आ गया, ठीक है। तो ऐसे हम इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखो ध्यान दो, इसको लिखो जरा बच्चे ध्यान से, बताता हूँ मैं आपको, कुछ अभी और क्वेश्चन बताता हूँ। अच्छे